out again. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सीबीएसई की नोटिस आ गई है और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर आईएससी वाले क्या करेंगे। मैंने तुमको बताया ना भाई, डैडी ने बोल दिया है तो बच्चे करेंगे ही करेंगे। सीबीएसई ने बोल दिया है तो सेम टू सेम फॉलो होने वाला है आईएससी का, इसलिए परेशान मत हो। परसेंटेज बूस्टर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। तो आज की क्लास में जो मैं कराने जा रहा हूँ वो एकदम अलग यूनिट है। वो अलग यूनिट मतलब मार्केटिंग है। मार्केटिंग से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा प्राइस मिक्स। आपने सुना तो होगा ही पहले कि ये प्राइस मिक्स क्या होता है। इस प्राइस मिक्स में केवल दो ही चीज हमारे सिलेबस पे है, एक मीनिंग सिलेबस पे है बेटा और एक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। दूसरा क्या है भाई? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। किसी भी चीज की वैल्यू अगर हम मनी के टर्म्स में रख दे तो उसको प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर धीरे धीरे, तो अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहां पर क्या बोला, द प्राइस डिनोट्स, आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो, द प्राइस डिनोट्स, मेरे साथ चाहो तो लिख भी लो आप लोग, द प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यहां पर मैंने क्या बोला भाई, प्राइस डिनोट्स मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है ना, तो वो उसकी प्राइस लगी जो मैंने अभी बताने की आपको पूरी कोशिश की। अब जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग है ना, इसमें आपको कोई 6 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं भाई। पेपर में 5 ही लिखने को आएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का पेपर नंबर पैटर्न है वो है क्या, 3, 4, 5। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन। तो लेकिन हमें यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट प्रिपेयर करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई क्वेश्चन 6-6 नंबर का आ जाए इसलिए। ठीक है ना, तो हम 6 पॉइंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस के। तो भाई चलो फटाफट से देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस में क्या क्या चीजें आएंगी और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का डिटरमाइन होता है। तो भाई पहले पॉइंट पर आते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो भाई पहला पॉइंट क्या है, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ये पहला है। अभी अगर ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिटरमाइन किया जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव से जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैंने टॉपिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पर पढ़ाया, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर मेरी फर्म का या मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो मैं जनरली हाई प्राइस रखूंगा अपने प्रोडक्ट का। और सिमिलरली अगर मेरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वहां पर मुझे सेल्स बढ़ानी है, तो वहां पर मैं जनरली लो प्राइस रखूंगा ताकि पेनिट्रेशन ज्यादा हो, ज्यादा लोग सामान खरीद पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने एकदम डायरेक्ट करके लिख कर दिखा दिया है आपको ताकि आपको रिकॉल करने में ज्यादा आसानी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फटाफट से नोट करते चलो, बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा भाई। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, चलो भाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या बोलता है, हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ऐसे करनी चाहिए कि शॉर्ट रन में सारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए और लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट कवर हो जाए। मैंने क्या बोला, शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए बिकॉज बिजनेस जल्दी जल्दी चलते रहना चाहिए, और लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो जाए, इस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी रखनी चाहिए।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? शॉर्ट टर्म में वेरिएबल कॉस्ट और लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए कंपनी की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट में बेटा फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है। बढ़ रहे हैं फटाफट थर्ड पॉइंट पर। दो पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं और थर्ड पॉइंट है कस्टमर डिमांड। अभी ये तो ना तुम लोग रिलेट करोगे इस पॉइंट से बहुत ज्यादा। कस्टमर डिमांड क्या कह रहा है? अगर किसी भी प्रोडक्ट की हाई डिमांड होती है, बहुत डिमांड है, तो जनरली उसका प्राइस ना ज्यादा होता है। अगर कोई इन डिमांड प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उसके प्राइसेस ज्यादा रखती है कंपनी। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बहुत लो डिमांड है, तो उसका प्राइसेस बहुत कम होते हैं। मतलब जिसकी डिमांड आती ही नहीं है मार्केट में, तो भाई कंपनी सोचती है इसको बेच के भाई हटाओ, दूसरा प्रोडक्ट बेचो उससे अच्छा है, ठीक है ना, अपने मार्जिन भी छोड़ दो, अपना चलो कॉस्ट भी छोड़ दो, जल्दी से बस बेच के निकल लो यहाँ से, ठीक है ना, ये सोचती है कंपनी। तो भाई कस्टमर डिमांड, आई होप आपको तीन पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है ना। आते हैं जल्दी से हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर बेटा, और छह ही पॉइंट प्रिपेयर करने हैं हमको। बुक पे काफी पॉइंट दे रखे हैं, तो चार पॉइंट आपको केवल कोई छह पढ़ने, आप कोई भी पढ़ सकते हो, मेरा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अलावा भी अगर आपको कोई ठीक लगे तो आप वही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्या है भाई? अगला है कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत हद तक सच बात है। कॉम्पिटिशन इन द मार्केट क्या बोलता है भाई? जैसा मेरा कॉम्पिटिटर प्राइसिंग रखता है ना, वैसा मैं भी रखूंगा। तो यहां पर बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। अगर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा हो कि जैसा कोक का प्राइस होता है वैसा ही पेप्सी का प्राइस होता है, जैसे ही अगर हुंडई की कार और मारुति की कार कंपेयर करें, जैसा वैगन आर का प्राइसिंग होता है वैसा ही सेंट्रो का प्राइसिंग होता है। तो मतलब सेम प्रोडक्ट्स की सेम तरीके की प्राइसिंग रखने की उम्मीद होती है हर कंपनी के द्वारा। तो जैसा कॉम्पिटिटर प्राइसिंग रख रहा है वैसा मैं भी प्राइसिंग रख रहा हूं। तो समझ में आया कॉम्पिटिशन द मार्केट वाला पॉइंट भी? तो भाई चलो मैंने पढ़ा दिए चार पॉइंट, और पांचवा पॉइंट तो और इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है यहां पर क्वालिटी एंड सर्विस। और आज की डेट में ना ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा हिट है। क्वालिटी एंड प्राइस ही सबसे ज्यादा हिट है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका वेरी हाई प्राइस भी हो सकता है। अगर एक्सेप्शनल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है भाई, उससे अच्छी क्वालिटी बन ही नहीं सकती, तो उसका प्राइसिंग जो है ना वो एक्सेप्शनली हाई भी हो सकता है और उसको भी लोग कंज्यूम करेंगे। आज के डेट में आप आईफोन्स की प्राइसिंग ऐसी है एक्सेप्शनली हाई, तो वहां पर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना भाई। और दूसरी तरफ क्या हो गया, अगर मीडियोकर या एवरेज क्वालिटी है तो उसका लो प्राइसिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी एंड सर्विस की बात समझ में आती। एक पॉइंट हमें और पढ़ना है, वो पढ़ते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट, और वो बहुत ही आसान पॉइंट है बेटा। उसका नाम है यहां पर बाइंग मोटिव्स। अब कई तरह के बायर्स हैं और उनका सामान खरीदने के लिए ना मोटिव ही अलग है। कुछ लोग होते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सामान खरीदते हैं, तो वही सामान खरीदते हैं जो जरूरी होता है और कम प्राइस पर मिल जाए। एक होता है जो अपनी वैनिटी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं महंगा सामान, मैं जगुआर खरीद लूं चाहे मुझे जरूरत हो जाए ना, ठीक है ना। तो वही वाली बात है यहां पर। तो क्या लिखा है भाई, कई बार कस्टमर हाई प्राइस पे करता है टू सेटिस्फाई, कस्टमर पे इज हाई प्राइस टू सेटिस्फाई हिज वैनिटी, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने ईगो को ब्रश करने के लिए वो महंगे सामान खरीदता है। तो उसको लगता है कि भाई अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भाई 2000 की जींस भी पहन सकते हो नहीं, लेकिन मैं 2 लाख रुपए की जींस पहनूंगा तब मेरी वैनिटी सेटिस्फाई होगी, तब मुझे लगता है भाई मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कुछ अलग है दुनिया से, ठीक है। तो मतलब स्टेटस प्रेस्टीज के लिए सामान खरीदते हैं, स्टेटस दिखावे के लिए, प्रेस्टीज के लिए, दूसरों से अलग है भाई उसके लिए सामान खरीदते हैं, तो वो है बाइंग मोटिव, ठीक है ना। और कुछ लोग होते हैं जो नीड्स के लिए सामान खरीदते हैं, वो इतना हाई प्राइस पे नहीं करते हैं। तो यहां पर 6 के 6 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ये पूरा टॉपिक अपनी बुक से पढ़ना है और अपने आप नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, फिर वो नोट्स मेरे नोट्स से टैली करने हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। इस तरह करते करते एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा ना, और अब तो पेपर हमारा जून में होगा, बहुत सारा पोर्शन है जो हम लोग कवर कर लेंगे, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। आई एम देयर विद यू। सो दिस वाज शुभम जितीश साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज़ क्लास।